आई एम सॉरी, अब आपको आवाज आ रही होगी, ऑब्वियसली कसूर आपका ही है, लेकिन चलो मैं माफी। यस सर, नो इट्स फाइन। ओके, थैंक यू वेरी मच। वी वर टॉकिंग अबाउट दिस इंडस्ट्री राइवलरी एंड वी जस्ट सेड, ज्यादा हमने इस पे अभी काम किया, वी जस्ट सेड दैट इट कैन बी हाई और इट कैन बी लो। हाई मींस दैट पीपल आर फाइटिंग फॉर द रेवेन्यू एंड फॉर द customers and for the shares. So if we have this idea ki rivalry high hai ya low hai, hamare liye us industry mein operate karna aasan ho jata hai, strategy banana aasan ho jata hai. And then we move towards our next force, that is the threat of new entrant or threat of entry. Threat of new entrant ka matlab ye hai कि कितना ज्यादा चांस है कि इस इंडस्ट्री में जिसकी भी आप बात कर रहे हैं कोई नई कंपनी आ सकती है, कोई नया कंपेटिटर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगेन, टेलीकॉम इंडस्ट्री में इस टाइम नया प्लेयर पाकिस्तान में आने के चांसेस हैं। सो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री इज लो, वेरी लो, वेरी लो। लेकिन ये सिर्फ कॉम्पिटिशन की बात नहीं है, कॉम्पिटिशन इज वन फैक्टर जिसकी वजह से थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट इज लो। मुझे बताए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए? वेरी वेरी हाई इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट अ कंपनी डीलिंग इन टेलीकॉम। बहुत ह्यूज, यानी ये दुनिया की सबसे बड़ी कैपिटल वाइज, पैसे वाइज कंपनी है, इस वजह से सर्वाइव कर गई है, अदरवाइज सरवाइव ना करते इतना, अदरवाइज ये सरवाइव ना करते। सो ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, और इंडिकेटर्स बहुत हैं, बट वील डिस्कस अनदर वन। इसके लिए गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हैं कुछ सख्त हैं या खैर है? सख्त है। सो अगेन न्यू एंट्रेंट नहीं आ सकता, कंपटीशन इज वेरी हाई, द लॉज एंड रेगुलेशंस आर वेरी स्ट्रिंजेंट, देयर आर नो कस्टमर्स, द राइवलरी इज ऑलरेडी वेरी हाई एंड ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। सो थ्रेट ऑफ एंट्री इज लो। Now there is a possibility that rivalry is high, but threat of new entrant is also high. If you talk about markets which are perfect competition, simple मतलब में किराने की दुकान एक मोहल्ले में या एक मार्केट में खुली हो, rivalry is already very high, but investment कितनी चाहिए? 2-2.5 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 20 लाख, which is easily manageable. लॉज कोई इशू नहीं है, किराए पे दुकान लेनी है और सारा क्रेडिट पे माल फेंकना है और बेचना शुरू कर देना अगले दिन से। कॉम्पिटिशन हाई है, राइवलरी इज हाई, बट द सेम टाइम न्यू एंट्रेंट की पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो वेरी हाई। वो मोनोपोली कर उसका मार्केट स्ट्रक्चर एक्चुअली होगा मोनोपोली बेस्ड, लेकिन डिपेंड ये करता है कि क्या जब नई कंपनी वहां जाएगी तो उसके लिए एप्पल पाई शेयर है या नहीं है। मसलन एक कंपनी की कैपेसिटी है 500 लोगों को अकोमोडेट करने की और वो अकेली सर्व कर रही है, वहां कस्टमर 200 है, तो एक्चुअली नई कंपनी वहां जाना इसलिए भी नहीं चाह रही होती कि 200 में से जाके बड़ी मुश्किल से 100 ग्रैब करेंगे और दोनों को नुकसान हो रहा होगा। तो बड़ी इंडस्ट्रीज छोटे कस्टमर्स पे एक ही काफी, बड़ी कंपनीज कम कस्टमर्स पे कंपटीशन में नहीं जाती ज्यादा, कहते हैं खैर छोड़ दो इसको, उसका खास इशू नहीं होता, बिकॉज इवेंचुअली दोनों लॉस में जाएंगी और फजूल में लड़ेंगी, कस्टमर है ही नहीं वहां, तो इसलिए वन इज इनफ।
मोनोपोली है, बट मोनोपोली में भी अभी वो बार्गेनिंग पावर आ जाता है, वो बार्गेनिंग पावर फिर डिटरमाइन करती है। इसके लिए ब्लू ओशन है, बट नए जाने वाले के लिए वहां कोई फायदा नहीं है। इसीलिए एक फोर्स को नहीं देखना, हमने बाकी फोर्सेस को भी देखना है, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। उस पर फिर मजीद इस पर हम डिस्कशन कर। क्योंकि जैसे ही आपने बिजनेस लॉन्च करना है, प्लानिंग करनी है, कुछ भी करना है, स्ट्रेटजी तो बना ली है। नाउ स्ट्रेटजी कैन बी फॉर अ न्यू बिजनेस और फॉर एन ऑलरेडी रनिंग बिजनेस, बट स्ट्रेटजी तो बनानी है, तो ये सब पे अप्लाई हो रहा होगा। यस, फाइव फोर्सेस दैट शेप द स्ट्रेटजी, इनको पढ़ने के बाद, आप समझने के बाद, एनालिसिस करने के बाद आपको समझ आती है कि अच्छा स्ट्रेटजी क्या बनानी क्या नहीं बनानी। सो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट कैन बी हाई, इट कैन बी लो। देन देयर इज थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, अभी आपस में रिलेट भी करना शुरू हो जाएंगी चीजें। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि एग्जैक्टली उस तरह की और सर्विसेज प्रोडक्ट्स चीजें अवेलेबल हैं या नहीं है, एक ये बात। दूसरी बात, एक एक कॉन्सेप्ट होता है ज्यादातर मार्केटिंग में यूज कर रहे होते, स्विचिंग कॉस्ट। स्विचिंग कॉस्ट सिंपल मतलब यह है कि अगर मुझे मरिंडा नहीं मिलती मार्केट से तो मैं फैंटा पी सकता हूं। आई मीन इफ यू कैन इजिली स्विच, इट्स नॉट गोइंग टू टेक यू मच टाइम। द मोमेंट दे आर गोइंग टू से वी डोंट हैव मरिंडा, यू आर गोइंग टू से ओके फैंटा दे दो, खत्म, बिकॉज प्राइस इज द सेम, ठीक है, टेस्ट इज ऑलमोस्ट द सेम। कुछ लोग हम में से ज्यादा ही बस फिर शोके हो जाते हैं तो कह रहे नहीं मैंने कोकी पीनी है, मैं वो ठीक है, दैट ब्रांड लॉयल्टी इज ऑल्सो देयर, बट एक्चुअली इट डजंट कॉस्ट एनीथिंग टू अ कस्टमर टू स्विच क्विकली स्विच टू द अदर ब्रांड, एंड दैट इज पॉसिबल, ऑल ऑफ अस नो दैट। फॉर एग्जाम्पल 99% ऑफ अस Never fought with a kriyana store कि हमें इस ब्रांड के eggs चाहिए। अभी ब्रांडिंग उसमें आई बड़ी रिसेंट है, पहले स्टैंपिंग आई फिर ब्रांडिंग आ गई, but it doesn't bother you। हाँ डब्बे वाला नॉन डब्बे वाले में शायद आपको हो रहा हो आजकल, but it doesn't bother you beyond that। So थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट के कितनी जल्दी अगर आपकी प्रोडक्ट नहीं मिलती तो कितनी जल्दी कस्टमर दूसरी प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। अगेन व्हेन देयर इज थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट इज हाई, व्हाट विल बी हैपनिंग टू द राइवलरी, हाई हो जाएगी। व्हाट विल बी हैपनिंग टू थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, लो भी हो सकता है, भी हो सकता है, बट यूजली लो, यूजली। ठीक, अभी हम सबको कनेक्ट भी करेंगे। किसी को ये क्वेश्चन के थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री जो है, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट समझ ना आया हो, जो ऑनलाइन लोग हैं दे कैन आस्क द क्वेश्चन ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, जी बिल्कुल बिल्कुल, देखें अच्छा, गुड गुड क्वेश्चन, इससे एक और क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। सब्स्टिट्यूट इज नॉट द सेम प्रोडक्ट और इवन नॉट इन द सेम इंडस्ट्री। मसलन एयरलाइन इज वन इंडस्ट्री, ट्रेन इज अनदर इंडस्ट्री, बट बोथ आर प्रोवाइडिंग द सेम सर्विसेज।
सो ट्रेन के लिए इंटर इंडस्ट्री सब्स्टिट्यूट इज द एयरलाइन और बसेस. कई दफा हम सुनते हैं ना कि बसेस के बिजनेस को चलाने के लिए ट्रेन के डिपार्टमेंट्स को फेल किया जाता है. Although they are two separate industries अपने आप में, लेकिन still substitute तो हैं. If you cannot go by plane, you can go by bus. बिल्कुल, हम फी चार्ज करना शुरू कर दें. आप मैसेंजर की और मैं ऐड करने की, कोई भी नहीं आया हुआ. वो वेटिंग रूम को कुछ करना पड़ता है, अभी इन्होंने कुछ किया है नहीं है इसमें, वो उसमें जूम में है. जूम तो एक्सेलेंट है, बहुत अच्छा, वेरी गुड. या ऐसा ऐसा हम फीचर्स पे आ रहे हैं. इनफैक्ट व्हाट्सएप कुछ नई चीज के साथ आ जाएगा अभी, वो इन सबको जरा बीट करेगा. वो कभी एस कर्व हम पढ़ेंगे, जो सेकंड थर्ड आ रहे होते हैं वो ज्यादा काम के हो जाते हैं. खैर, एग्जांपल देने आइए इंडस्ट्री का, वी आर ट्रेड ऑफ सब्स्टिट्यूट. आज से तकरीबन 7-8 साल पहले डेवो बस सर्विस जो थी जी, वो जब उसने भी स्ट्रेटजी शुरू में तो उसकी कोई उसका कोई रेवेन्यू ही नहीं था जी, और शायद इसमें से उसने एक्सपेंसिव पीरियड और सारा कुछ किया. और बट उसके थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट उस टाइम पे जो लो था, शायद उसने टाइम ही रियलाइज भी नहीं किया कितनी जल्दी उसे सब्स्टिट्यूट निकल आए. देखो, इट इज द नीड, इट इज नॉट द प्रोडक्ट, इट इज द नीड. नीड कैसे फुलफिल होती है? मसलन आपको पता है पेप्सी के लिए सादा पानी भी थ्रेट है. पेप्सी की जहां बहुत बड़ा किराना स्टोर बना होगा, वहां अगर कोई फीस भी लेला फिल्टर लगा देता है, तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं. मैं या तो पेप्सी पकड़ के अपनी प्यास बुझा लूंगा, नीड पूरी कर लूंगा, नहीं तो मैं उसको हाथ लगा के पानी पी के काम खत्म कर लूंगा. अगेन दैट इज अ सब्स्टिट्यूट, बिकॉज नीड, हमने नीड को देखना है. Yes? फिर क्या हो गया? मैंने कहा ना कि ये दफा इंटर इंडस्ट्री सब्स्टिट्यूट होता है. सो यू थिंक ऑफ ऑल दीज थिंग्स. बहुत सारी बुक्स में और बहुत सारी चीजों में जूसेस आर सब्स्टिट्यूट टू दीज ड्रिंक्स, फिजी ड्रिंक्स. पेप्सी पकड़ने लगते हैं एंड साथ ही वो कहते हैं नहीं, को जूस पी लेते हैं. सो सब्स्टिट्यूट्स थ्रेट बहुत दूर तक हो सकता है. देन टू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर. पहले बात कर लेते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर. नाउ बार्गेनिंग पावर का मतलब ये है सिंपल, अपनी हमारी लोकल लैंग्वेज में, कि क्या सप्लायर नखरे कर सकता है कि नहीं कर सकता. अगर तो सप्लायर ज्यादा नखरे कर सकता है और अपनी डिमांड्स ज्यादा आपसे मनवा सकता है, तो बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर इज हाई. अगर सप्लायर आपके तरले कर रहा है, प्लीज मेरे से चीजें ले लें, और आपकी डिमांड्स पे वो पूरा उतर रहा है, तो बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर इज लो. अब एक चीज जरा इसके साथ कनेक्टिंग सोचें, व्हाट इफ देयर आर लेस सप्लायर
and more buyers. The bargaining power of the supplier is going to be high. Very good. Theek? What if there are less buyers and more suppliers? Bargaining power is low. So her industry mein ye farak hota hai. Now, example. आप मुझे ये बात बताएं, इस पे हम एक स्टडी भी शायद एनालिसिस करेंगे, जो ग्लोरिया जीन्स, सेकंड कप, स्टारबक्स, कॉफी प्लैनेट, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ दीज कॉफी शॉप्स एंड कैफेज इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजंस व्हाई दे आर सेलिंग देयर थिंग्स एंड व्हाई दे आर मेकिंग मनी इज व्हाट? ब्रांड नेम इज वन, ओके, but how did they create their brand name? Taste. Very good. Taste. And taste is developed through the coffee beans. ठीक है? कॉफी की जब इंडस्ट्री की बात होती है तो उसमें एक रेगुलर कॉफी आती है, एक स्पेशियलिटी कॉफी आती है. ये जितने कैफेज है ना, ये स्पेशियलिटी कॉफी बेच रहे होते हैं. उसका जो उसका बीन है, दैट इज ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, इट हैज मोर टेस्ट, इट हैज डिफरेंट वैरायटीज. और जो एक बिल्कुल आम सी कॉफी की बॉटल हम लेते हैं, दैट इज अ नॉर्मल कॉफी. सो स्पेशियलिटी कॉफी जो है, उसकी वजह से ये सारे कैफे वाले पैसे बनाते हैं. वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीजंस, क्योंकि टेस्ट नहीं होगा तो ब्रांड इज सेकेंडरी. Now, स्पेशलिटी कॉफी दुनिया में ब्राजील और कॉन्गो में या उस अफ्रीका के थोड़े से इलाके में सिर्फ होती है. वो कहीं और ग्रो करना बहुत मुश्किल काम है, होती ही नहीं, समझो. आपको टनल फार्मिंग करनी पड़ती है और दैट बिकम्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव. ये बात, ये स्पेशलिटी कॉफी एंड उसको रोस्ट करना, उसकी क्वालिटी एंड कितनी महंगी बिक रही है, ये बात आज से 50 साल पहले अफ्रीकन्स को नहीं पता थी. अफ्रीकन्स को तो ये था कि अच्छा, कॉफी हमसे खरीदने को ही आ गया, तो कॉफी बेचना शुरू कर दी उन्होंने सिर्फ रॉ फॉर्म में. बट अबाउट 30 years ago, 90s में, व्हेन दीज कैफेज वर बिकमिंग ग्लोबल एंड दुनिया को पता चल गया, अफ्रीकन्स ने कहा कि हमसे ये इतनी सस्ती कॉफी लेके उसको थोड़ा सा प्रोसेस करके ब्रांड नेम देके इतनी एक्सपेंसिव भेजते हैं. नाउ सप्लायर्स क्या हैं कॉफी स्पेशलिटी कॉफी में? कम है, तो उन्होंने थोड़ा सा प्राइसेस बढ़ाना शुरू कर दी. नाउ जस्ट अज्यूम के ये कितने बड़े बिजनेसेस हैं, सारे कैफेज, और एक दिन अफ्रीकन्स ऐसे ही दो चार लोग जिनसे वो पहले चीजें खरीदते हैं, वो कहें यार नहीं, हमने नहीं बेचनी इस साल कॉफी, नहीं बेचनी आपको ये स्पेशलिटी कॉफी, हमने अपनी कैटल्स को डालनी है, हमने आपको नहीं बेचनी, ऐसे ही वो कह दें. व्हाट विल हैपन टू दीज बिजनेसेस? एंड तक इफेक्ट आएगा एंड गॉन. सो बाय यूजिंग दिस थ्रेड, सप्लायर कैन इजिली मैनिपुलेट द कॉस्ट ऑफ द कॉफी और द कॉस्ट ऑफ समथिंग. So, इन कैफे वालों ने क्या किया, इन्होंने स्ट्रेटजी क्या बनाई एंड बेहतरी क्या की इस चीज को देखते हुए कि बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर इज इंक्रीजिंग. जब इन्होंने ये चीज देखी, इन्होंने उन फार्मर्स के साथ 50-50 साल के रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए. इन कैफे वालों ने अफ्रीका में जहां जहां ये जमीन खरीद सकते थे वहां वहां इन्होंने जमीन खरीद ली जहां कॉफी होती थी. एट टाइम्स इनको उस जमीन के 100 times ज्यादा पैसे देने पड़े, विच मीन्स अगर 1,000 rupees की उसकी लैंड की प्राइस थी टोटल, इन्होंने 1,00,000 rupees दे के वो जमीन खरीदी है. जो जिनको ज्यादा समझ आ गई हुई थी और वो जमीन नहीं बेचना चाहते थे, उनको उससे भी ज्यादा पैसा देकर उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि यू आर नॉट गोइंग टू सेल योर कॉफी टू एनीबॉडी एल्स एंड वी आर गोइंग टू हैव आवर प्लांट्स हियर
एंड अब वो क्या करते हैं, अब अफ्रीका में उन्होंने अपने प्लांट्स लगाए हुए हैं, वहीं से हार्वेस्ट होती है, वहीं से उसको वो रोस्ट करते हैं, वहीं से क्वालिटी इंश्योरेंस करके, वहीं से पैकिंग करके अपने पास लेके आते हैं, एंड नाउ दे आर मेकिंग मनी. व्हाई? बिकॉज एक टाइम ऐसा आ सकता था कि अफ्रीकन सीधा सीधा मना कर देते कि हम नहीं बेचते आपको, एंड द होल चेन वुड हैव डिस्टर्ब्ड. सो बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल इसकी करते हैं फिर आगे चलते हैं. मुझे खुद ये एक्सपीरियंस हुआ इसलिए हम सिचुएशन को इमेजिन कर सकते हैं. वन ऑफ आर रिलेटिव्स डॉग बाइट का इशू हो गया. डॉक्टर ने उसको लिख के दे दिया कि ये फलानी मेडिसिन है, ये डॉग बाइट के लिए इंजेक्शन लगाने जरूरी है. एंड इंजेक्शन कैसे लगेंगे? जितना आपका वेट है 2 pounds पे एक इंजेक्शन लगेगा, और वो पूरी क्वांटिटी बन के फिर आपने विद इन 72 आवर्स उसको कंज्यूम करवाना है बॉडी को. अब रिलेटिव भी माशाल्लाह ठीक थे, तो जब लाहौर से एक मेडिकल स्टोर, दूसरे मेडिकल स्टोर, तीसरे पांच मेडिकल स्टोर से मिलके वो 27 इंजेक्शंस बनते, तो कुछ ऐसा था उसका फॉर्मूला जो भी था, सम पाउंड्स पे कुछ इंजेक्शन था. 27 इंजेक्शंस पांच स्टोर से हमें मिले, और हर स्टोर ने उसकी अपनी कीमत लगाई. और मजे की बात, अगर सपोज पहला इंजेक्शन जो था वो 200 में मिला, तो आखिरी इंजेक्शन 1000 रुपीज में मिला. दे वर सो कनेक्टेड तो सप्लायर्स, उनको पता चला किसी मोटे बंदे को कुत्ता काट गया. तो उन्होंने कहा जी पता चल गया, क्योंकि पहले से आपने डिमांड की थी हमें 27 इंजेक्शंस चाहिए. उसने, उसके पास 5 थे 6 थे जैसे भी थे, उसने अपनी मैक्सिमम प्राइस लगा के बेच दी. लेकिन उसने सबको फोन कर दिया कि मार्केट में अलर्ट रहे या मुझे बताएं कितने का. तो हमें उसी बंदे ने कहा कि फलाना बंदा इतने के इंजेक्शन दे रहा है, इतने के करते करते जो भी कट वट सिस्टम होगा, बट वी हैड टू पे इवन 1000 rupees फॉर वन इंजेक्शन. 5 times प्राइस भी ऊपर गई. वाई? बिकॉज उस टाइम पे बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर वॉज द हाइएस्ट. अर्जेंसी, शॉर्टेज, लेस सप्लायर्स, मोर नीड, इट ऑल क्रिएटेड टू वेरी हाई बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर. सो अगर बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर हाई होगी या लो होगी, आप प्राइसिंग कॉस्टिंग आराम से उस बेस पे कर सकते, आप उस तरीके से स्ट्रेटजी सेट कर सकते हैं. ठीक. देन देयर इज बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर. बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर इज सिंपली अ रिफ्लेक्शन ऑफ राइवलरी, सब्स्टिट्यूट. इन दोनों से तो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है इस पे. फॉर एग्जांपल, कितना बायर आपको अपनी टर्म्स पे ला सकता है. अगर ऐसी चीज है तो बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर इज हाई होगी. ऐसी कह दिया ना, कुछ एक बोलना है या लो. अगर राइवलरी हाई होगी तो बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर इज गोइंग टू बी हाई. वेरी गुड, शाबाश. जब मुझे पता है कि मैं फॉरेन सब्स्टिट्यूट दूसरे पे शिफ्ट हो सकता हूं, मेरी बार्गेनिंग पावर एज अ कस्टमर बहुत हाई हो जाएगी, एंड सेलर की बार्गेनिंग पावर लो हो जाएगी. अच्छा, नहीं, इंडस्ट्री पे बेस करता. नहीं, बी टू बी दोनों पे हो रही. एक क्वेश्चन पूछता हूँ फिर आपको क्लैरिटी हो जाएगी, फिर आप मुझे क्वेश्चन पूछना. नाउ मैं प्राइसिंग स्ट्रेटजी लगाने लगा हूं,
प्राइसिंग डिसाइड करने लगाऊंगा, प्राइसेस मैंने कैसी रखनी है. नाउ लिसन टू मी, इफ द बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर इज वेरी हाई, हाउ मच फ्लेक्सिबिलिटी डू आई हैव इन द प्राइसिंग स्ट्रेटजीज? वेरी लेस. मैंने आधा चार आने आठ आने भी बढ़ा दी है ना प्राइस में, it is going to have a long long term impact on my product. वो छोड़ देगा, कहेगा यार मैं क्यों इसको एक रुपया एक्स्ट्रा दूंगा, जा जब मुझे दूसरी चीज इसमें कम में मिल रही. When bargaining power of the supplier is very high, control on cost is मुझे, मैं तो डिपेंडेंट हूं कि मुझे चीज पीछे से मिलती कितने की है तो मैं कितने की बनाऊंगा, तो मेरी कॉस्ट सप्लायर पे डिपेंडेंट है. आई कैन नॉट अचीव कॉस्ट लीडरशिप और आई कैन नॉट बी फ्लेक्सिबल इन कॉस्ट इफ द बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर इज हाई. उसका कोई पता नहीं अगले दिन वो 11 रुपए की चीज 15 रुपए की मुझे प्रोवाइड कर रहा हूं. नाउ थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट इफ इट इज हाई, मेरी प्राइसिंग स्ट्रेटजी अगेन ऑप्शन वेरी लो. इफ द राइवलरी इज हाई, माय प्राइसिंग स्ट्रेटजी ऑप्शंस आर लो. माय क्वालिटी कॉम्प्रोमाइजिंग ऑप्शंस आर लो. मैं क्वालिटी पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता. अगेन हम जो भी बात करें, वी आर ट्राइंग टू से कीपिंग एवरीथिंग एल्स द सेम, कीपिंग एवरीथिंग एल्स द कांस्टेंट, देन वी आर सेइंग कि क्या हम, हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है कि नहीं. सो व्हेनेवर यू आर मेकिंग स्ट्रेटजीज, यू नीड टू हैव दीज फाइव फोर्सेस क्लियरली इन योर माइंड सो यू डू नॉट मेक मिस्टेक्स. So five forces, okay? इससे मजीद हम इस पे मतलब डिस्कस आप कर सकते हो, बट मेरी तरफ से इससे ज्यादा कुछ नहीं. Now another very important matrix and a very famous one, BCG matrix. क्यों इसको BCG कहते हैं? Boston Consultancy Group. इससे पहले हमें दो तीन चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. ये नहीं जो भी कहने लगा हूं वो और समझते हैं. मुझे बताइए इस बच्चे के पास दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन आईफोन का चार्जर है, खाली नीड है. दूसरा क्वेश्चन खतरनाक था कि किसी के पास डेटा भी है और बैटरी भी है, वो मुझे पता था सारे नीड है. नहीं भी दो नंबर रखा हुआ चार्जर के वो. Good. So, few things that we need to understand. One is portfolio, and the other is SBU. ताकि हमें इसकी sense तो समझ आए कि ये क्यों use होता है. ऐसे हम ये तस्वीरें देख के खुश हो जाते हैं बस कि हाँ ये जो बनी हुई है ये ठीक है, इनके नाम पढ़ के खुश हो जाते हैं. Portfolio. Portfolio mainly term use हो रही होती है investments में. जब आप कभी इन्वेस्ट करने लगते हो तो बहुत दफा आपने ये फ्रेज सुनी होगी, डू नॉट पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन वन बास्केट. तो व्हेन यू डू नॉट पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन वन बास्केट,
and you have different baskets, that is a portfolio. मसलन आप जब invest करते हैं तो आप कहते हैं अच्छा ऐसे करते हैं कि 20% पैसा invest कर देते हैं ऐसी companies में जहां risk बहुत high है, risk भी बड़ा high है, return भी बड़ा high है. इसका मतलब है कि वहां loss भी बड़ी जल्दी हो सकता है, फायदा भी बड़ा ज्यादा हो सकता है. आप कहते हैं 40% पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं स्टेबल कंपनीज में, स्टेबल शेयर्स में, जहां ये डर ही ना हो कि नुकसान होगा. थोड़ा सा फायदा हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर बड़ा भी नुकसान हुआ तो बहुत थोड़ा सा होगा. और आप कहते हैं बाकी 40 जो है वो लो रिस्क में कर दें, या इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं उसको आप पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कह देते हैं. इसी तरह जो जो कंपनीज होती हैं, बड़ी कंपनीज, कॉरपोरेशंस, या उनका एक और नाम जो लिया जाता है वो नाम है कॉन्ग्लोमरेट्स. कॉन्ग्लोमरेट्स स्पेलिंग नहीं पूछता मैं. बस सी से कुछ लिख लो ना यार, बाकी याद रख लो, जाके देख लेना. हाँ वो ठीक, इसकी तसली रखें, कॉन्सेप्ट नाम ठीक है, स्पेलिंग का कोई गारंटी नहीं है. कॉन्ग्लोमरेट्स. नाउ व्हाट डू दीज कंपनीज डू? फॉर एग्जांपल यूनिलीवर. यूनिलीवर की 2017 में 256 बिग कंपनीज थी. मसलन कैल्विन क्लाइन इज वन ऑफ द कंपनीज ऑफ यूनिलीवर. Dove is one of their brands. Vaseline is one of their brands. Procter and Gamble ka ek brand hai Gillette. So ye conglomerates jo hote hain, they have many businesses. Nestle, P&G, Unilever, Reckitt and Benckiser, Walmart, all of these are conglomerates and they have many, many brands and many, many other companies. So, ये brands हैं. इनमें से umbrella brands भी हैं. इन brand में से umbrella brands हैं. जिसका मतलब है कि branding की सब branding हुई हुई है. P&G, Gillette, Mark III. ठीक. सो ये इस तरीके से चल रहे होते हैं. इस पे कभी मार्केटिंग पढ़ी तो फिर ज्यादा डिटेल में जा सकते हैं, बट ऑल ऑफ देम बिलोंग टू वन पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन और अ कॉन्ग्लोमरेट. नेस्ले, नेस्ले वाटर इटसेल्फ इतना बड़ा बिजनेस है. नेस्ले जो मेडिसन्स हैं या जो सेमी मेडिसन की प्रोडक्ट्स हैं इनकी बच्चों के लिए, टॉफी एंड ये सारी चीजें, इट्स अ बिग बिजनेस, फूड आइटम्स एंड ये सब कुछ. बट नाउ कॉन्ग्लोमरेट्स जो हैं, इन्होंने जब मल्टीपल बिजनेसेस किए होते हैं, क्या हर बिजनेस को चलाने के लिए एक ही एग्जैक्ट स्ट्रेटजी चाहिए होती है? नहीं. नेस्ले वाटर अगर आपने बेचना है तो उसमें आपकी, फॉर एग्जांपल बड़ी माइन्यूट सी बात आपने ये कहनी है कि 8 ग्लास पीना लाजमी है, दैट इज योर वन ऑफ द कैंपेन्स. लेकिन अगर नेस्ले मेडिसिन बना रही है तो ये नहीं कहेगी 8 टेबलेट डेली खाना जरूरी है. इट इज गोइंग टू हैव अ कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटजी एडवर्टाइजमेंट में भी एंड बाकी सारी चीजों में भी एंड सप्लाई चेन में भी. नाउ दैट मींस all of the businesses that one conglomerate is running require a different strategy in order to be successful. ye baat samajh aayi? Calvin Klein ko chalana aur Surf Excel ko chalana requires completely different strategies. ab zara dusra concept, is wajah se because aapko ek business बड़े बिजनेस के छोटे बिजनेसेस चलाने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज चाहिए,
तो आप उस छोटे बिजनेस को, उस सब बिजनेस को स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट कह देते हो, SBU। ये फॉर एग्जांपल नेस्ले है ना, तो नेस्ले का, नेस्ले वाटर इज वन SBU। प्रॉक्टर एंड गैम्बल का जिलेट इज वन SBU। वन ऑफ देयर कंपनीज विच रिक्वायर सेपरेट स्ट्रेटजीज इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल। SKU इसके लिए नहीं होती, उसका जरा मुझे बताएं एब्रीविएशन। मुझे SKU उसके लिए नहीं होती, वो प्रोडक्ट की समथिंग नहीं, नहीं वो SKU होती है, बट उसका उसका इंपैक्ट है बड़े छोटे लेवल पे, प्रोडक्ट लेवल पे, प्रोडक्ट लेवल पे SKU की टर्म यूज होती है। मैं अभी सही नहीं याद आ रहा, बट SBU इज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट दैट रिक्वायर्स सेपरेट स्ट्रेटजीज इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल। यहां तक किसी को कंफ्यूजन है ऑनलाइन ऑफलाइन प्लीज मुझे बताएं। मैंने कहा इधर सवाल पूछे, कोई नहीं पूछ रहा जी। नो सर, नो इश्यूज। सक्सेसफुल होने के लिए उनको सेपरेट स्ट्रेटजीज चाहिए होती हैं, वो लेवल यूनिट्स कंसीडर किए जाते हैं एक ही बिजनेस के, SBU। जैसे पाकिस्तान में जो है AWP बहुत बड़ी एग्जांपल है जी, उसके अंदर जो है कि बहुत ज्यादा SBU। यस, अब वो गार्ड की कंपनी जी सर, AWP वाली, और साथ ही फॉर एग्जांपल अगर फर्टिलाइजर बना रहे हैं तो एक तरीके से ही चला सकते हैं, ऑल्दो इट बिलोंग्स टू द सेम पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो सेपरेट SBUs। जिस तरह आपके अगर 5 बच्चे हों तो हर किसी को चलाने के लिए अलग स्ट्रेटजीज करनी पड़ती हैं, तो एक एक SBU होता है आपका। आप एक स्ट्रेटजी सब पे लगाए तो फिर वो इसका ना पेरेंट फेल हो जाएंगे जी। बिजनेस पोर्टफोलियो का मतलब ये है कि एक कंपनी ने पोर्टफोलियो बनाया होता है बाय इन्वेस्टिंग इन नंबर ऑफ SBUs जी। ये नहीं कह सकते exactly, इस तरह ट्रांसलेट करना सही नहीं है। SBUs डिफरेंट यूनिट्स हैं जो पोर्टफोलियो बनाते हैं, यस, बट पोर्टफोलियो इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वैसे वो कॉन्ग्लोमरेट का पार्ट होते हैं जी। दूसरी कंपनी में तो पोर्टफोलियो, वो इंस्टीट्यूशनल, उसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो और चीज है। आपके पास पैसा बच गया, आप कुछ और करना नहीं चाहते, तो इस वजह से आप क्या करते हैं कि आप फिर सेल्फ इन्वेस्टमेंट किसी और कंपनी में कर देते हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। ओके, नाउ अनदर कॉन्सेप्ट एंड अनदर कनेक्शन। जी 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 प्लीज। डू यू थिंक ऑल ऑफ दीज कंपनीज आर डूइंग गुड? जरूरी नहीं है। गुड, मैं हर दफा ये एग्जाम्पल देता था, लेकिन इस दफा मैं बड़े खुश होकर एग्जाम्पल दे रहा हूं। Have you seen Nestle's butter? अभी recently, अभी आया फ्रिज में कोई महीना पहले, Nestle butter नूरपुर के कॉम्पिटिशन में, सॉल्टेड बटर ऊपर लिखा होता है। अब चाहे तो खरीदा नहीं, वैसे देख लेना जरा कि है कुछ चीज इस तरह की। ये आज से 15 साल पहले भी आता था, इसी पैकिंग में, ग्रीन एंड सिल्वर, और इन्होंने बंद कर दिया बिकॉज नूरपुर वॉज सो स्ट्रॉन्ग एंड उसका ब्रांड ऐसा कोई देसी किस्म का बना हुआ था कि इनको वो कंपटीशन बहुत ज्यादा देता था। इन्होंने अपनी प्रोडक्ट बंद कर दी थी। अब मुझे ये बात बताएं कि नेस्ले जैसी बड़ी कंपनी को अपनी प्रोडक्ट बंद करनी पड़ी। वैसे सोचने में नहीं आता कि ये क्या बात हुई, ये तो इतनी अच्छी कंपनी है। दैट मीन्स नॉट ऑल ऑफ योर प्रोडक्ट्स
do the best. Not all of your companies or SBUs are doing the best. It is not possible. G. अच्छा सॉरी ये जो SBU है उसका तो एनालिसिस इस पे होगा ही होगा, सेपरेट प्रोडक्ट्स का भी हो जाता है, बट अभी हम SBUs की बात कर रहे हैं. कोडेक एक टाइम पे नंबर वन कंपनी, एक टाइम पे बिल्कुल आउट. डेरी मिल्क पता है सबको ना, बट नेस्ले बटर नहीं पता था. That means not all of your products or all of your companies are doing well or doing the best. ऐसे ही है. अब जब पूरा कॉन्ग्लोमरेट अपना एनालिसिस करता है और कॉन्ग्लोमरेट लेवल पे स्ट्रेटजीज बनाने लगते हैं तो एक्चुअली वो पोर्टफोलियो एनालिसिस कर रहे होते हैं, अपने पूरे पोर्टफोलियो का एनालिसिस कर रहे होते हैं कि कौन सा एसबीयू में क्या डिसीजन लेना है, क्या स्ट्रेटजी बनानी है. ये बात समझ आ गई? आपके सारे बच्चे आर्मी में तो नहीं जाते? दो चार निकम्मे भी होते हैं इधर जो आर्मी में जाते हैं या नहीं जाते. Not all of them become the medical doctors or your lower level job. That means aapko har SBU har product ke liye different strategy different faisla karna padta hai. Lekin wo faisla aap tab kar sakte ho jab aapko pata ho ki kaun is qabil hai, kyu kya kar sakta hai aur kya nahi kar sakta. So un companies un SBUs ke analysis ke liye आप BCG मैट्रिक्स यूज करते हैं. जहां तक क्लियर हुआ? ऐसे ही पढ़ा था BBA में या नहीं? So, अब इसका एनालिसिस करने के बाद कौन सी स्ट्रेटजीज हमने करनी है उसकी तरफ जाते हैं. देयर आर टू थिंग्स इन्वॉल्व. अगर आप टॉप पे देखें तो यू हैव द रिलेटिव मार्केट शेयर. रिलेटिव मार्केट शेयर कैन आइदर बी हाई और लो. व्हाट इज रिलेटिव मार्केट शेयर? इनफैक्ट व्हाट इज मार्केट शेयर? किसको नहीं पता कि क्या चीज होती है? ओके सिंपल, मतलब क्योंकि किसी को भी नहीं पता. दैट इज नहीं, आपको पता है, आपके साथ वाले बंदे को नहीं पता जो साथ बैठा हुआ. इसलिए अगर 100 कस्टमर है और 3 कंपेटिटर्स हैं, 100 कस्टमर है, 3 कंपनीज हैं, एक कंपनी के पास 40 लोग हैं, 40 लोग फॉर एग्जाम्पल कोका कोला पीते हैं, 30 लोग पेप्सी पी रहे हैं और 30 लोग जो हैं वो गोरमे कोला पी रहे हैं. सो सबसे ज्यादा मार्केट शेयर किसके पास है? कोक के पास है, बाकी दोनों के पास इक्वल है. ओके फाइन. सो या तो आपकी प्रोडक्ट का या आपके एसपीयू का मार्केट शेयर हाई होगा या लो होगा. फिलहाल हम यही कंसिडर कर रहे हैं, मॉडरेट को कंसिडर अभी नहीं कर. ये चीज समझ आ गई? देयर कैन बी वन पॉसिबिलिटी, लो और हाई. द सेकेंड थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज मार्केट ग्रोथ रेट. क्या मार्केट बड़ी तेजी से आने वाले टाइम में बढ़ेगी या कम होगी? सिंपल मतलब, क्या जो चीज मैं बेच रहा हूं उसके कस्टमर्स आने वाले टाइम में इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे? उसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है या होगी या डिक्रीज होगी? नाउ लेट्स थिंक ऑफ
म्यूजिक सीडीज की मार्केट ग्रोथ क्या होगी आने वाले टाइम में? लो, हमने पहले भी एक दफा इस पे बात की ना वैसी, तो आपको साफ पता चल रहा है, ये तो बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, बट आपके पास बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं बेस्ड ऑन विच यू से कि मार्केट ग्रोथ इज हाई और मार्केट ग्रोथ इज लो. सो ऑन टू एंड्स यू हैव टू पॉसिबिलिटीज एंड द नाउ व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज आप अपने डिफरेंट एसबीयूज को डिफरेंट जगहों पे प्लेस करना चाह रहे हैं. सिंपल ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग. फ्यूचर भी आप देख रहे होते हो और पास्ट भी देख रहे होते हो एंड बहुत सारी क्वालिटेटिव चीजों को आपको देखना पड़ता है. जिस तरह आप लोग सारे साइंटिस्ट ही हैं ना, आपने कहा नहीं कोई सीडी नहीं बिकेगी आने वाले टाइम में, और आपने सही प्रेडिक्ट किया है, गलत तो प्रेडिक्शन नहीं है. सो कंपनीज के पास इससे बहुत ज्यादा डेटा होता है. फॉर एग्जाम्पल मास्क की मार्केट बढ़ेगी, और अगर वैक्सीन आ गई तो शायद ना बढ़े. मतलब ये अगेन देन यू कैलकुलेट कि क्या चीजें जो हैं, बट आने वाले टाइम में आफ्टर टेक्नोलॉजी यू विल बी ओनली मेकिंग मनी इन हेल्थ केयर. ये आज से 20 साल पुराना गोल है और ये चलता रहेगा और ये कामयाब हो गया और हो रहा है. हेल्थ केयर इज गोइंग टू बी मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, अभी भी है बट स्टिल इट इज गोइंग टू बी नंबर वन इंडस्ट्री. एजुकेशन इज गोइंग टू गो डाउन, ऐसे कह रहा हूं मैं, आपसे बड़ा साइंटिस्ट हूं ना. एक्चुअली टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बी एवरीवेयर. फार्मा में भी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, एजुकेशन में भी टेक्नोलॉजी आ चुकी है और आ गई है, और मजीद ये चीजें चेंज होंगी. बट हमारे पास इतना कोई ऑथेंटिक टूल्स नहीं होते या हम नहीं यूज करते, बट कंपनीज डू यूज दीज टूल्स एंड बड़ी अच्छी अच्छी प्रेडिक्शन करती हैं, बड़ा बेहतर उनको पता होता है. तो अगर आप देख रहे हैं कि जीई मैट्रिक्स में मैं जाके आपको ये बताऊंगा, जब नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो उसमें मैं आपको ये समझाऊंगा कि बैक एंड पे मैकेनिज्म क्या हो रहा होता है, उसमें एप्लीकेशन थोड़ी सी करेंगे. बट आइदर यू हैव हाई मार्केट ग्रोथ और लो मार्केट ग्रोथ, इन दोनों में मजीद किसी को प्रॉब्लम तो नहीं कॉन्सेप्ट में? ओके, नाउ लेट्स सपोज वन ऑफ योर एसबीयूज हैज द हाईएस्ट और द हाई मार्केट शेयर एंड सॉरी वन ऑफ योर एसबीयूज हैज द हाई शेयर in market and also you predict that the market growth is also going to be high, so these businesses or this business or this SBU or this product will be known as star. ab ye kisi BCG matrix ke bande ne drawing karne ke liye sara kuch nahi kiya hua ke chalo kahin star bana dete hain kahin kuch bana dete hain. There are philosophies behind each box. Why do we call them stars? Because they are high and they are shining. They are rising and they are shining and they are high. So these are your good businesses. For example, Apple's iPhone. Market share bhi acha hai aur aane wale time mein growth bhi hai. Theek? And many other businesses. उस उन लोगों में से आपका कितना हिस्सा है? उन लोगों में से कितना हिस्सा है आपका?
फिर आइडिया होगा मेन, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, साथ साथ भी हम डिस्कस कर सकते हैं, बट थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है, फिर एंड में कंपाइल करके फिर देखते हैं, फिर आप मुझे बताओगे कौन कौन सी इसमें चीजें आ रही हैं, कौन सी नहीं आ रही। नाउ व्हाट इफ योर मार्केट शेयर इज लो, अभी आप चीजें ये बेच नहीं सक रहे समहाउ, अभी आपके बिजनेसेस बिल्कुल लो पे जा रहे हैं एज कंपेयर टू द मार्केट, बट ग्रोथ इन दिस इंडस्ट्री is expected to be very high. तो इनको आप question marks कह देते हैं. Now again, what is the philosophy? इनका भी कुछ पता नहीं है कि क्या बनेगा. आपके लिए, आपके लिए पता नहीं है. इंडस्ट्री इज फाइन, एक इंडिकेटर अच्छा है, एक इंडिकेटर बुरा है. सो इट कैन बिकम अ स्टार और अ डॉग. डॉग अभी बात करते हैं तो फिर हमें आइडिया होगा कि क्या हो सकता है. देखो आपका मार्केट शेयर लो है ना, दूसरी कंपनियों के लिए तो अच्छा है, दूसरी कंपनियों का सेम बिजनेस शायद स्टार्स में हो, लेकिन आप उस प्रोडक्ट या उस एसबीयू में क्वेश्चन मार्क पे हैं. न्यू स्टार्टअप्स का ये प्रॉब्लम होता है. यस, न्यू स्टार्टअप्स इन ग्रोइंग मार्केट्स क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट करते हैं. जी एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि इट इज नॉट ओनली यू, इट इज द कंपेटिटर एज वेल. आप सेम पेस पे जा रहे हैं, अगला बंदा तेज भागने लग जाए, आपका कोई भी कसूर नहीं था, लेकिन आप पीछे रह जाएंगे. तो सर अगर आज के बिल्कुल हो सकता. अब डिपेंड ये करता है उस पर, मजीद अगर उसमें जाए डिस्कशन में, डिपेंड ये करता है कि इफ यू हैव ऑल द फोर्स, इफ यू हैव ऑल द कैपिटल टू स्पेंड, इफ यू आर श्योर that you are much much better than your rivals, then stars are good. agar aap shaky hain thode se, people are better than you in the industry, then aapke liye problem hoti. so stars is pe decision kya aata hai wo bhi hum discuss karte hain, but there are some businesses that are falling in stars, there are some businesses which are falling in question marks. now There are some businesses जिसमें फिलहाल तो आप, आपका शेयर तो बहुत ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा आप ही बेच रहे हैं वो प्रोडक्ट, लेकिन आने वाले टाइम में उसका कोई भी चांसेस नहीं है ग्रोथ के, लेकिन फिलहाल आप सबसे बड़े मार्केट लीडर हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर. एक बात जरा गौर से सुन लेना, ये कंपनीज को स्टार से कैश काउ में आने में, या स्टार से क्वेश्चन मार्क में जाने में, या क्वेश्चन मार्क से स्टार्स में जाने में एक सेमेस्टर नहीं लगता. इट कैन बी 200 इयर्स, इट कैन बी 50 इयर्स, इट कैन बी इवन 6 मंथ्स. सी, सो इट डजंट हैव अ वेरी सर्टन टाइमलाइन, इसको नहीं सोचना. कई दफा कैश काउज में बिजनेसेस 35-35, 40-40 साल कैश काउज में ही रहते हैं, मार्केट को डिक्लाइन होते होते बड़ा टाइम लग जाता है. ठीक, सो डोंट थिंक ऑफ एनी टाइमलाइंस कि 3 साल, 2 साल, 4 साल में ही हो जाएगा. इट डिपेंड्स कि किस तरह मार्केट की फ्लक्चुएशन हो रही है एंड किस तरह आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं. फॉर एग्जांपल, हाउ मच टाइम डिड नोकिया टेक टू गो फ्रॉम स्टार्स टू ऑलमोस्ट डॉग्स? 5 years तकरीबन 5 years में. हालांकि इतनी बड़ी कंपनी को 5 years नहीं, इसको 100 years बाद जाना चाहिए था, but there were forces जिसने 5 years में उसको डाउन कर दिया.
सो डोंट थिंक ऑफ एनी टाइमलाइंस, ठीक है? उससे स्टेबल है, देखो हम बात करें ग्रोथ की, उसका शेयर मार्केट शेयर भी जो है वो बहुत ज्यादा है, कई दफा आप ये प्रोडक्ट पे भी सोच रहे होते हो किसी एक एनालिसिस में, राइट और रॉन्ग आई डोंट नो, बट नेस्ले मिल्क वॉज इन द कैश कॉ, पेप्सी भी हो सकता है, अभी पाकिस्तान में उसका शेयर ज्यादा है, आने वाले टाइम में कितना है कितना नहीं, अगर यस तो यस कैश काउज है। अब कैश काउज की फिलॉसफी क्या है कि विद वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट यू हैव अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम इन विच यू कैन मिल्क दीज बिजनेसेस कैश काउज, टेक द कैश आउट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इससे 100 रुपया बना रहे हैं तो इस पे 60 रुपए लगाने की जरूरत नहीं है वापस, इस पे बहुत ज्यादा एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है, फ्यूचर में इसकी ग्रोथ है ही नहीं, लेकिन अभी जितना कमा सकते हैं 1 साल 10 साल 20 साल ये कमा रहे हैं। हो सकता है रेड की वजह से ये मसला आ रहा हो सकता है किसी और फोर्स की वजह से मसला आ रहा हो, रेड में होते हुए पेप्सी एंड कोक आर ऑलवेज रेड ओशंस बट स्टिल दे आर ग्रोइंग, दे आर फाइन। मजीद ग्रोथ नहीं है, सारी इंडस्ट्री नहीं आती, कौन सी कंपनी आती है वो मुझे बताएं, जैज फॉर एग्जाम्पल आती है, बट जैज के लिए साथ जो है वो ओवरऑल स्टार, अभी वो स्टार में एक्चुअली उनके लिए आ रही है ग्रोथ, इस तरह उनकी है। देखो ग्रोथ वो डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, दैट इज फाइन, वो आगे रूम नहीं है उसमें मार्केट में, बट ग्रोथ इन अ सेंस उन्होंने इसी चीज को ओवरकम करने के लिए भारत को जब एक्वायर किया है तो ग्रोथ उनकी हो गई है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कस्टमर्स, पूरी इंडस्ट्री नहीं। आपने अपने एसपीओ और अपनी प्रोडक्ट का सोचना कि ये मेरी प्रोडक्ट कहाँ लाए कर रही है, हो सकता है कंपेटिटर की वही प्रोडक्ट कहीं और हो, ठीक? सो आप करते क्या हो, आप एक्चुअली ज्यादा से ज्यादा कैश यहां से विड्रॉ करते हो, कैश निकालते हो, इसलिए इसमें डॉलर बना हुआ है ना, कि आप ज्यादा से ज्यादा इससे कैश आउट करते हो इन बिजनेसेस से। एंड इफ योर एसबीयू इज लो इन रिलेटिव मार्केट शेयर, ये भी लो है, एंड रिलेटिव मार्केट ग्रोथ भी लो है, now it is a dog, now why it is a dog, because it is only eating your money, it eats a lot. dog ko yahan pe na bada alag rakha hua, apna apna perspective hai na, but it eats a lot, wo dusre wala nasl dusri banayi, rottweiler banaya hua hai, agar russian banaya hota to fir main kehta ha wo kam kharch wala nahi hai, koi kaatta bhi hai। हाँ? वो भी है मसला, सो इट इज वेरी कॉस्टली, गरीब बंदे ने भी ये वाली नस्ल कम रखी होती है, खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता इसे। सो आइडिया इज कि ये आपसे बहुत सारा पैसा खाते रहेंगे एंड सिर्फ सिंबॉलिक है कि आप ये बिजनेसेस कर रहे हैं, जैसे घर में आपने एज अ पेट इसको रखा होता है, इट इज सिंबॉलिक कि बड़ी सिक्योरिटी है, बट व्हेन इट कम्स टू
ईटिंग इसका बहुत ज्यादा खर्चा होता है, हो सकता है बच्चों से ज्यादा ये खाता हो। सो ये बिजनेसेस ऐसे हैं जो आपका पैसा खा रहे हैं लेकिन आपको रिटर्न कम दे रहे हैं। जी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर दिया वो सी उसमें लगा दिया। सो इस तरह जब आप अपने सारे बिजनेसेस को पोर्टफोलियो एनालिसिस करते हो और उनको कहीं ना कहीं इसमें प्लेस कर देते हो, फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ योर बिजनेसेस आर हियर, सम ऑफ देम आर हियर, सम ऑफ देम आर हियर, सम ऑफ देम आर हियर, देन यू मेक स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंग टू देयर पोजिशन इन द पोर्टफोलियो एनालिसिस। Now, very useful, and जो इसका crux है when you're done writing, then you will अब जरा इधर देखें। The businesses that are there in the stars, इनके लिए आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन मेकिंग इज गोइंग टू बी इन्वेस्ट इन्वेस्ट। इनमें आपको बहुत सारा पैसा लगाना है। नाउ व्हाई टू इन्वेस्ट? इन्वेस्ट टू मेंटेन is the primary purpose, कि stars आपके stars में ही रहें, इसलिए पैसा लगाना पड़ेगा, ads देने पड़ेंगे, customer satisfaction देनी पड़ेगी, उसके लिए पैसा लगेगा, but बेफिक्र होकर invest करें, कोई मस्का नहीं है, because they are the ones who are giving you results, they are the ones who are giving you money and cash flows, so invest, invest to maintain and also try invest to grow, because potential है इनमें grow की, growth की। So the word that you need to remember is invest. Question marks. Question marks are confusing. इसमें भी आप करते invest ही हैं, लेकिन इसको कहते हैं selectively invest और इसको select कर दे, invest in stars, select in question marks, invest and select, select का मतलब क्या है? हो सकता है आपने ये product ये जरा गौर से सुने, आपने ये वाली प्रोडक्ट या ये वाला SPU 10 सिटीज में ओपन किया हो, 10 सिटीज में ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इट इज डूइंग गुड इन 2 सिटीज, इट इज नॉट डूइंग गुड इन 4 सिटीज, इट इज गोइंग इन नेगेटिव इन अदर 4 सिटीज। सो सिलेक्ट कर लें कि आपने टॉप 2 रखनी है, जो रेस्ट ऑफ द 4 हैं जो स्ट्रगल कर रही हैं उन पे इन्वेस्ट करना है, और जो नेगेटिव में जा रही हैं उनसे बंद करके आउट कर देनी है, सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे गौर मैंने किया, उन्होंने बिल्कुल खत्म करके एक जगह पे रह गए, उन्होंने कहा ये बिजनेस संभल जाए ये भी काफी है, एंड वहीं ग्रो कर रहे हैं वो, लाहौर पंजाब, हाँ बट नियर टू लाहौर, आहिस्ता आहिस्ता फैलेंगे तो ठीक है, अदरवाइज। सो इन्वेस्ट इन स्टार्स, सिलेक्ट इन क्वेश्चन मार्क्स, ये समझ आ गई? ओके, अब शेयर का दूसरा हिस्सा बनाते हैं। कैश काउस, कैश काउस के लिए द स्ट्रेटजी इज हार्वेस्ट, हार्वेस्ट, व्हाई हार्वेस्ट? इस पे थोड़ा सा पैसा लगाएं और इसमें से पैसा निकालें, हार्वेस्ट। आप क्या करते हैं, थोड़ी सी आपकी फसल होती है आप उसको काट लेते हैं यूज करते हैं, फिर दोबारा फसल हो जाती है फिर काट लेते हैं यूज करते हैं, और उसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करते हैं, हार्वेस्ट।
एक एक चीज और, हार्वेस्ट करके यहां से जो आपका कैश निकलता है इधर इन्वेस्ट करें इन एसपीयूज में, और यहां सिलेक्टिवली इन्वेस्ट कर दें जो यहां से पैसा निकल रहा। सो इन्वेस्ट, सिलेक्ट, हार्वेस्ट एंड द लास्ट वन इन द डॉग्स इज द डाइवेस्ट। डाइवेस्ट का मतलब होता है रिमूव कर देना। So, simple strategies and simple decision making is invest, select, harvest, divest. जी वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो होती है फॉर दैट यू गो टू दीज कैश काउस, उसका भी मैं रीजन आपको बताता हूं कि वो क्या कर क्यों ये करते हैं। नाउ अ लिटिल बिट मोर डिटेल, लिटिल बिट मोर डिटेल। डॉग्स, जब आपको इस दफा पता चल रहा है you are slightly moving towards dogs, for example if you are here to ye aapki kya condition hai, dogs ki condition to hai but ye dogs ki condition acche dogs ki condition hai, nahi samajh aayi na, main bhi yahi cha raha tha ki na samajh aaye kyunki agli baat isse samajh aayegi। Now hua kya hai कि मैं अभी अभी इस एरिया से इस एरिया में आया हूं, मतलब अभी जो मेरा मार्केट शेयर है रिलेटिव मार्केट शेयर वो कितना है, इतना है, बहुत ज्यादा लो नहीं हुआ। इफ यू कंपेयर दिस प्लेस, अब समझ आई, ये तो बिल्कुल ही फौत होने वाला है, बल्कि हो चुका है। अब थोड़ी सी बात इसलिए मैंने ये बताई है, फर्क क्या है इस डॉग्स की और कैश काउस की, और इनकी फर्दर स्ट्रेटजीज हैं विद इन डॉग्स, विद इन कैश काउ, विद इन स्टार्स, विद इन क्वेश्चन मार्क्स, अपनी अपनी स्ट्रेटजीज और भी हैं। मसलन अगर तो मैं यहां हूं तो बिजनेस मुझे पता है कि ये इवेंचुअली जाने लगा है, मेरे लिए ये बिजनेस खत्म होने लगा है, लेकिन इस लेवल पे अभी भी मुझे बिजनेस कुछ ना कुछ पैसे दे जाएगा। ये पुराना मकान है आपका, ये कोई ना कोई खरीद लेगा, ऑल्दो इट इज गोइंग टू फेल डाउन इवेंचुअली, बट अगर आप इसको यहां सेल करते हैं या इसका कुछ कर लेते हैं, यूजली सेल ही कर देते हैं, तो कोई ऐसा इन्वेस्टर खरीद लेगा जो थोड़े से पैसे में खरीद के इससे अपने 5-10-20 साल गुजार लेगा और पैसे बना लेगा, जिस तरह हमें ऑनलाइन क्वेश्चन भी आया कि वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो कैश काउज में कभी स्पेंड कर देते हैं पैसा, वो शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम मींस 10 इयर्स 20 इयर्स के लिए उससे पैसा निकाल लेते हैं, बिकॉज उनको पता होता है कि अब ये सिर्फ पैसे दे रहा है, इस पे लगाने नहीं है पैसे, तो वो बहुत सारा कैश बना के कहीं और इन्वेस्ट करते रहते हैं। अब जरा गौर से ये दूसरी चीज देखें ताकि हमें समझ आ जाए। यहां मैंने जब इस बिजनेस को बेचा है इस जगह पे, समवेयर हियर हियर इट विल गिव मी सम मनी, लेकिन अगर मैंने यहां जाके इसको बेचने की कोशिश की तो ये मेरी नेगेटिव कैश फ्लो बन जाएगी। अब जरा अजम्पशन ये लें कि अगर घर गिर जाता है, आपको पता उसका मलबा उठवाने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, ये इधर उधर भाग ले जाओ, वही चीज जब बनी हुई होती है तो इट हैज अ लॉट ऑफ प्राइस। तो अगर आपके बिजनेसेस बिल्कुल ये जीरो पे चले गए हैं एंड आप वेट कर रहे हैं कि ये डॉग्स में आ जाएं तो फिर बिल्कुल एज पे आ जाएं तो फिर इनका कुछ करें,
so then expect that you will have to spend money to get rid of them. अभी कुछ थोड़ा बहुत हालात ठीक हो ना तो सेल कर देना ठीक है, क्योंकि आप अच्छे हालात आपको नजर आ रहे हैं कि नहीं है, तो ये आपकी अटेंशन भी मांग रहे हैं, ये आपसे पैसा भी खा रहे हैं, और कुछ टाइम में अगर आपने इनका ना कुछ किया तो ये आपका पैसा लगवाएंगे ऊपर। रिस्की भी तो ज्यादा है ना, तो अगर आप इसमें बहुत ज्यादा पैसा क्वेश्चन मार्क में लगा दोगे तो हाई रिस्क हाई रिटर्न का आप कर रहे हो, लेकिन ये कंफर्म है कि आप पैसा ज्यादा लगा रहे हो। अभी ये कंफर्म नहीं है पैसा ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा, तो सिलेक्टिवली इन्वेस्ट की ऑप्शन इसमें बेहतर होती है। वो भी यही चीज है मेरे पास है, वो भी दूसरी स्लाइड में, इसमें से मैंने आज ही उड़ाया, मैंने कहा ये आपको यहाँ तंग करेगा, बट वो भी है। इसको याद रखने का इज इन्वेस्ट सिलेक्टिवली, इन्वेस्ट हार्वेस्ट डाइवेस्ट। यहां इसकी स्क्रैप वैल्यू होती है, यहां कुछ सेलेबल वैल्यू होती है। सो कब आपने कैसे डिसाइड करना है? अब कैश काउस जो ऑनलाइन हमें क्वेश्चन था कि कैश काउस को लोग कुछ हैं जिसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि कैश काउस में इधर आके कैश काउ में कोई भी इन्वेस्ट नहीं करता, ठीक है। एक्चुअली कैश काउस जहां इन्वेस्ट होता है दैट इज दिस प्लेस दिस एरिया, बल्कि इस एरिया में इन्वेस्ट बाहर का बंदा इसमें करता है। अपना जो कंपनी है वो अगर यहां आ जाए तो फिर वो वेट ही कर रहे होते हैं कि यहां पहुंच के इसको आउट कर देंगे, बेच देंगे। अब जरा एक और चीज देखो, जब वॉल्स ने कंपनी निकली है और ब्ला 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 के बेच के चले गए हैं, कंपीट ही नहीं किया, जब आपको 100% पता है कि आप कैश काउ या स्टार से एकदम डॉग के लास्ट पॉइंट पे जाने लगे हैं, तो अच्छा फैसला नहीं है कि आप पैसे कमा लें कुछ? हो सकता है पोलका वाले ने कोई और बहुत बड़ा काम कर लिया हो पैसे से उस टाइम। द आइडिया इज इट इज नॉट ऑलवेज अ बैड ऑप्शन कि आप किसी चीज से एग्जिट कर रहे हैं। स्ट्रेटजी में इफ विल गो बैक डेफिनेशन में या उसमें हम जब डिटेल में पढ़ रहे थे, इट इज नॉट व्हाट टू डू, इट इज ऑल्सो व्हाट नॉट टू डू। सो किन बिजनेसेस को कंटिन्यू नहीं करना इज ऑल्सो स्ट्रेटेजिक डिसीजन। इसी तरह जो हमारे डेवलपमेंट वाले लोग हैं, यहां रिलेट कर रही है बात, इसलिए मैं वो कर रहा हूं, जितने आप ज्यादा सक्सेसफुल होते जाते हैं, जितने ज्यादा डेवलप्ड होते जाते हैं, उतने बड़े ट्रेड ऑफ्स करने पड़ते हैं आपको। व्हाट टू डू, व्हाट टू लूज सम टाइम, ठीक है। सो इसलिए स्ट्रेटजी का जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है That is, कि आपके कौन सी प्रोडक्ट्स, कौन सी SPUs, कौन सी चीजें जो है वो किस तरीके से ऑपरेट कर रही हैं एंड उनके बारे में क्या डिसीजन करना है। बट दिस मैट्रिक्स एंड द GE मैट्रिक्स आर यूज्ड फॉर पोर्टफोलियो एनालिसिस ऑफ SBUs, पोर्टफोलियो एनालिसिस ऑफ द प्रोडक्ट्स एज वेल। प्रोडक्ट्स पे भी हो सकता है, इफ वन ऑफ योर प्रोडक्ट्स इज नॉट मेकिंग गुड, यहां कहीं फॉल कर रही है, स्टॉप इट, देयर इज नो प्रॉब्लम। इफ इट इज डूइंग समथिंग लाइक दिस,
इन्वेस्ट इन इट, और यहां है तो उससे पैसा निकालें, उस पर बहुत ज्यादा खर्च ना करें, यहां है तो उसको ध्यान से बड़ा सिलेक्टिवली देखें कि इसको क्या करना है, बिकॉज इसका चांस है या क्वेश्चन मार्क में ही रहेगी या स्टार में चली जाएगी। डॉग में अगर मार्केट की प्रॉब्लम आई तो डॉग में भी जा सकती है। आजकल की जो फ्लक्चुएटिंग मार्केट्स हैं उसमें व्हेन यू आर इन द क्वेश्चन मार्क तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आप फॉरेन डॉग्स में शिफ्ट हो जाए। देखो इस्लामाबाद में कितने रेस्टोरेंट बने लास्ट 5 इयर्स में, अनगिनत। कितने चल रहे हैं? कम, अब तो नहीं बनते जा रहे हैं, बट अगर आप ये एनालिसिस करें ना कि 500 रेस्टोरेंट खुला था, आई थिंक 50 ऑफ देम आर स्टिल वर्किंग, 450 of them immediately converted to dogs. So, आपको थोड़ा सा इस तरीके से अपने businesses का analysis करना होता है और ऐसे इसको देखना होता है। ये जरा अब आप online लोग भी जरा खुद पढ़ें and मुझे बताएं इसमें कोई problem नहीं भी बताएंगे तो मैं बोलना शुरू हो जाऊंगा, लेकिन फिर भी चलो। Leaders in business, they require heavy investments. Why? To maintain its large market share. It leads to large amount of cash consumption and cash generation. Dono cheeze kar raha hota hai. Attempts should be made to hold the market share. Otherwise, the stars will become cash cows. Agar aapke liye wo growth nahi hai usme, तो आप कैश काउ में फॉरन कन्वर्ट हो जाएंगे और कुछ टाइम में आप हो सकता है डॉग्स में चले जाए। कैश काउस लो ग्रोथ हाई मार्केट शेयर, दे आर द फाउंडेशन ऑफ कंपनी एंड ऑफन द स्टार्स ऑफ यस्टरडे। किसी टाइम के स्टार्स होते हैं आपके, बट नाउ दे आर कैश काउस। दे जनरेट मोर कैश देन रिक्वायर्ड। इनको अपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए, अपनी अपने आप को मेंटेन करने के लिए जितना कैश चाहिए उससे बहुत ज्यादा ये जनरेट कर रहे होते हैं। दे एक्सट्रैक्ट प्रॉफिट बाय इन्वेस्टिंग एज लिटिल कैश एज पॉसिबल। सो इसमें बहुत कम कैश इन्वेस्ट करें। एंड दे आर लोकेटेड इन द इंडस्ट्री दैट इज मेच्योर, नॉट ग्रोइंग और डिक्लाइनिंग। जो आप बात कर रहे थे कि कई दफा स्टेबल उसमें भी ये चल रहे होते हैं, प्लेटोड इंडस्ट्रीज में भी चल रहे होते हैं। डॉग्स are the cash traps. Dogs do not have potential to bring in much cash. Number of dogs in a company should be minimized. Business is situated at a decline stage. So isliye question marks, most businesses start off as question marks. Jaise humne kaha startups aise hi start hote hain. They will absorb great amount of cash in the beginning. They will remain unchanged. इस पे भी मुझे आपने याद कराना है, एक हॉकी स्टिक का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताना है। Why question marks? Because question marks have potential to become star and eventually cash cow, but can also become a dog. Investments should be high for question marks, but selective. ये आप कैश शो कर रहे हैं कि कैश काउ से कैश निकाल के आप इनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, हॉकी स्टिक या इसकी लिमिटेशन पढ़ लेते हैं फिर चलो। गोमे का भी तो ये मॉडल है कि गोमे की जो बेकरीज हैं, गोमे का से इनके कैश काउ है, इन्होंने एक नया चैनल भी लॉन्च किया है। जी, और वो बेसिकली काइंड ऑफ क्वेश्चन मार्केट उनकी स्ट्रेटजी इतनी बुरी नहीं है वैसे। उनकी स्ट्रेटजी बुरी नहीं है, मैंने हालांकि ज्यादा टेलीविजन नहीं देखता। उनकी केटरिंग सर्विसेज, उनकी फार्मेसी, फर्नीचर, ऑल्दो वो डाइवर्सिफिकेशन है, उनके चैनल की भी स्ट्रेटजी मुझे बुरी नहीं लग रही। जैसे वो कोई बता रहे कि उनके बेसिकली ऑर्डर बता रहे कि पर मंथ जो है 5-6 करोड़ रुपया खाली के खाली जो है वो इन्वेस्ट हो रहे हैं चैनल पे, जो कि वो निकाल रहे हैं अपनी बेकरी के बिजनेस से। और 10-5 करोड़ उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दे हैव अ वेरी वेरी स्टेबल एंड गुड मॉडल ऑफ
स्टार्टिंग अ न्यू बेकरी कपूरा मैंने कितने साल पहले हुसैन चौक के पास पहली इनकी बेकरी थी एंड दैट मींस 22 इयर्स तो इनको हो गए अगर जो उन्होंने एक जैसे कहते हैं ना कि एक मास लेवल पर अपनी ब्रांचेस स्टार्ट की थी मतलब यहां तक अगर दिल्ली मोहल्ले में छोटी बेकरी की बिजनेस फेल कर दिए बिल्कुल ऐसे ही वो चीज मुझे याद है कि नहीं वो तो 10-12 साल पहले शुरू था ऐसे ही एक्चुअली इनका मॉडल बड़ा अच्छा है जब इनकी ग्रोथ बेहतर होने लगी तो इफ आई करेक्टली रिमेंबर या अल्फला है या जेएस है दोनों में से कोई एक बैंक है मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद ये क्या करते हैं ये पूरे का पूरा इन्वेस्टमेंट उस बैंक से लेते हैं एक रुपया अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट से नहीं डालते ब्रांच की कंस्ट्रक्शन उसकी जमीन का पैसा उसमें सेटिंग मेटिंग सब कुछ 8 साल पहले मैं बता रहा हूं कि इनकी एक ब्रांच स्टार्ट करने पे इनको 1-3 करोड़ रुपए तक पैसा लगता था डिपेंडिंग ऑन लोकेशन ये सारा पैसा उस बैंक से लेते हैं और उस बैंक के साथ ये करते हैं कि हम आपको रेगुलर पेमेंट्स एंड बलून पेमेंट्स करते रहेंगे बलून पेमेंट्स का अगर इकट्ठे पैसे आए तो ज्यादा दे दिए नहीं तो रेगुलर 1-2-5 लाख जितना भी आया वो ब्रांच चलती है इनको भी पैसा थोड़ा बहुत बच रहा होता है ये क्या करते हैं 20% ऐसे मैं अंदाजा बता रहा हूँ 20-25% प्रॉफिट खुद रखते हैं बाकी सारा बैंक को दे जाते हैं एंड विद इन 4-5 ईयर्स वो ब्रांच भी इनकी अपनी हो जाती है लोकेशन भी हो जाती है और 25 साल अपना पैसा भी कमाते रहते हैं स्टेबल मॉडल रखा हुआ है इन्होंने और ये कहते हैं जितना कैश बैंक से लेके ब्रांच स्टार्ट करनी है उस ब्रांच की जो जमीन की वैल्यू है वो उतनी ही होनी चाहिए कल को खुदा ना खास्ता आपको करना भी पड़े बेच के बैंक को पैसे दें खत्म सो ये जीरो लॉस टाइप चीज पे जा रहे होते हैं बट ओनली कंपनीज कैन डू इट व्हेन दे हैव ग्रोन अ लिटिल स्टार्ट में मैं आप नहीं कर सकते हमारे लिए मुश्किल काम सो लिमिटेशंस है बीसीजी मैट्रिक्स ओनली यूजेस 2 dimensions ठीक है प्रॉब्लम्स ऑफ गेटिंग डेटा ऑन मार्केट शेयर एंड मार्केट ग्रोथ दिस इज अ वेरी बिग रिस्क हाई मार्केट शेयर डज नॉट मीन प्रॉफिट यस जिस तरह हमने रेड ओशन में पढ़ा था मार्केट शेयर होने का मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट भी ज्यादा है हो सकता है प्रॉफिट किसी और का ज्यादा हो हाई मार्केट शेयर डज नॉट मीन प्रॉफिट एट ऑल टाइम्स बिजनेसेस विद लो मार्केट शेयर कैन बी प्रॉफिटेबल टू सो जो एक है कि मार्केट शेयर को इंक्रीज करना है हमने वो कोई अच्छी स्ट्रेटजी नहीं भी हो सकती पर ये इसकी जो लिमिटेशंस हैं मैंने आपको जो समझाना है अभी क्वेश्चन मार्क की सेंस में दैट इज हॉकी स्टिक This is time. This is profit or sales, preferably profits. For any question mark or for any new business, the model is like this. अगर आप सिर्फ इतने पोर्शन को देखें तो इट इज लाइक अ हॉकी यहां तक ना दिस इज जीरो दिस इज माइनस दिस इज प्लस व्हाई डू वी कॉल इट हॉकी स्टिक बिकॉज इनिशियली इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग और इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस You're going into losses, negative.
कुछ टाइम तक, बिकॉज दिस इज टाइम, कुछ टाइम तक आप नेगेटिव में ही जाते रहते हैं, यहां तक आप नेगेटिव में ही जा रहे हैं, लेकिन यहां आपको प्रॉफिट आया? प्रॉफिट नहीं आया ना, अभी लॉस खत्म हो गया है. सो दिस सिचुएशन इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट. यहां पर ब्रेक इवन होता है. अब आपकी कोशिश ये होती है कि द हॉकी स्टिक शुड बी गोइंग टू ब्रेक इवन वेरी सून. फॉर एग्जाम्पल एज कंपेयर टू द ग्रीन वन, दिस ब्लू हॉकी स्टिक इज अ बेटर बिजनेस, क्योंकि ये ब्रेक इवन पॉइंट पे पहले आ गया है. एंड इसके साथ हम जरा इसका थोड़ा सा वो भी पढ़ लें, लाइफ साइकिल, ताकि पढ़ा होगा आपने. ब्रेक इवन, इसको क्या कहते हैं, इस पोर्शन को डेवलपमेंट? नहीं, ग्रोथ. यहां ग्रोथ आएगा. स्टार्ट कर लेते हैं, हम खुद भी वर्ड याद कर सकते हैं. स्टार्ट ऑफ द बिजनेस, इंट्रोडक्शन कह देते थे. बिल्कुल सही, इंट्रोडक्शन हो गया किसी प्रोडक्ट का या किसी बिजनेस का, या स्टार्ट हो गया, ग्रोथ हो रही होती है. ग्रोथ के बाद मैच्योरिटी, या इसको प्लेटोड सिचुएशन कहते हैं, एंड देन डिक्लाइन, एंड अगेन. डू नॉट पुट एनी टाइम पीरियड इन योर माइंड फॉर ईच ऑफ दीज स्टेप्स. इट कैन टेक 10 years, इट कैन टेक 100 years, इट कैन टेक अबाउट 6 months. Now, what companies do is the moment they are going to go towards decline, they innovate. Isi time pe ye usi product mein koi nayi cheez add kar dete hain. Again, profits are increasing. The moment they feel decline of this thing, they further innovate. And further innovate and further innovate. ये जो आपके पास हर साल मॉडल्स आ रहे होते हैं सैमसंग एंड आईफोन के, दैट इज एक्चुअली एक मॉडल की डिमांड खत्म होने लगती है तो कहीं अच्छा कर रहे और पैसे लगाए, एंड देन यू गेट दिस बेबी कर्व जो कि इनोवेशन करती जाती है. हॉकी से सांप बन गया. प्लेटोड होता है बिल्कुल एक उस पे स्टेबल हो जाना किसी चीज पे. तो लाइक आप क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट करके स्टार्ट में भी चले जाते हैं आपके आपका बॉम जी. वैसे आज की इतना काफी हो रहा है, मुझे तो ये आवाज बड़ी देर से आ रही है, लेकिन मैंने कहा था एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए ये चीज. नहीं है अभी और. वैसे ये देखो ये डी अभी है मेरे पास, कल क्लास कर ले नेक्स्ट क्लास में. ओके, अच्छा एक थोड़ा सा डी में जो फर्दर एडवांटेज है ना, हमें ये एरोज लगे हुए हैं ना, इसका थर्ड टाइप ऑफ एनालिसिस भी होता है कि ये किस तरफ जाने के चक्कर में है ये बिजनेस. फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो है, ये बिजनेस इवेंचुअली डॉग्स में जा रहा है. उससे पहले नहीं, 2-3 क्लासें फारिग थी. मुझे पहले जब मैंने प्लान किया था ये कोर्स, मैंने इसको कोर्स में नहीं रखा हुआ था. फिर मुझे पक्का यकीन होता है अपने स्टूडेंट्स पे कि उनको खास कुछ नहीं आता जाता, और आता जाता वो भी तो भूल जाता है. और थोड़ा सा इस पे स्ट्रेटजी एक्चुअली समझ लो कि ये मैंने अपनी रेपुटेशन के लिए ये एड जानबूझ के किया. बिकॉज प्रॉब्लम क्या होती है,
if you talk about content of strategy, these are important things. But some people also feel ke ye kya repeat kara raha hai cheeze baar baar. But they're always new for some people. किसी ने ये ऑप्शन पे छोड़ा होता है सवाल, किसी का टीचर ठीक नहीं होता, ये वाला 100 मिसाइल होते हैं. ये वाला जो है ना बीसीजी और ये ऐसे जा रहे हैं कौन अपोर्ट में पढ़ो, तो काफी कॉम्प्लेक्स है. अब जब आप उसको स्ट्रेटजी से लिंक करके पढ़ते हैं ना, उसका फिर जो एसेंस हो जाता है एक डिफरेंट चीज है. और पोर्टफोलियो एसेंस ही वहां पे निकल रहा है, स्ट्रेटजी में तो निकल रहा है इसका. हां स्ट्रेटजिक एचआर आप ये कोर्स पढ़ते हैं और ये चीज आपको नहीं पता होती या सही नहीं पता होती तो इट्स नॉट गुड, बिकॉज ये बड़ा मेजर पार्ट है आपकी स्ट्रेटजी का. जी मार्केट शेयर के लिए सिंपल जो टूल यूज होता है वो बीसी यूज होती है 1, 2, 3, 4, 5. इतने कस्टमर हैं उसमें जितने हमारे सर्विस फाइनेंशियल रिपोर्ट जो होती है फाइनेंशियल रिपोर्ट से आ जाता है. आपको अपना तो कौन सा पता होता है ना कि आपने कितने कस्टमर्स को टारगेट किया. इसी तरह आपको बाकी कंपनीज की भी जब फाइनेंशियल रिपोर्ट नजर आती है या आपको मार्केट में पता होता है कि आप लॉस कर रहे हैं, तो यू कैन इवन कितना हमने बेचा है. एक चीज जो मिसकंसेप्शन मुझे लगता है कि क्रिएट हुई होगी शुरू में, शायद मैं ज्यादा उसको क्लियर नहीं कर सका. व्हेन वी से दैट अ बिजनेस इज गोइंग टू टुवर्ड्स डॉग्स, तो उसका रीजन क्या था कि उस बिजनेस की मार्केट ग्रोथ नहीं है, ठीक, मार्केट शेयर भी नहीं है. प्लीज ये ऑनलाइन वाले भी सुने गौर से, आपके लिए नहीं है. Yes. हो सकता है किसी दूसरी कंपनी के लिए बिजनेस बहुत ज्यादा अभी पड़ा हो मार्केट में और वो भागे दौड़े जा रहे हैं, आपके लिए नहीं है. फॉर एग्जाम्पल मोबाइल बिजनेसेस की मार्केट बढ़ेगी कम होगी, बढ़ेगी मतलब है अभी उसमें पोटेंशियल है. नोकिया के लिए पोटेंशियल है, फिलहाल बात कर रहे हैं फिलहाल, मैं उनका कस्टमर उस तरीके से बढ़ नहीं रहा, बट मार्केट जो ओवरऑल मार्केट है उसमें भी पोटेंशियल बहुत है. इट इज योर एनालिसिस, योर पर्सनल एनालिसिस कि आपके लिए क्या हालात है, ठीक है. ये जरा मिसकंसेप्शन होता है, कई दफा हम उसको मार्केट से रिलेट कर लेते हैं. और